क्या इतने सालों से जब इंडस्ट्री में काम करना चालू किया ना, तो आई रियलाइज यार हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वी स्टिल विल हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन टू कम आउट एंड परस्यू करियर्स, टू मेक अ लाइफ, टू बी इंडिपेंडेंट, टू मेक चॉइसेस. और वुमेन एम्पावरमेंट जो टर्म है पिछले कई सालों से वोग में आ गया. बहुत सारे लोग ये वर्ड इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, पर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली दे डोंट पुट इट इन टू यूज़. एंड आई ऑलवेज थॉट उसकी शुरुआत तभी होगी जब हिंदुस्तान के मर्द अपनी सोच के धारा बदलेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा दैट वी नीड टू प्रेजेंट दोज मैन दिस ईयर दैट हैव समवेयर मेड अ डिफरेंस इन टू देयर पार्टनर्स लाइफ, देयर सिस्टर्स, देयर डॉटर्स, देयर चिल्ड्रन. दे हैव बीन एबल टू बी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग ऑफ ऑल द गर्ल्स हु वांट टू परस्यू देयर ड्रीम्स, हु आर केपेबल, हु जस्ट नीड टू बी सपोर्टेड. और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि उनकी मदद करना, कई बार चुपचाप उनके साथ खड़े रहने से भी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ज़्यादा करके बोला जाता है लड़कियाँ ये नहीं करती, लड़कियाँ वो नहीं करती, लड़कियों को शादी करके घर चलाना चाहिए, घर बनाना चाहिए. अगर एक लड़की काबिल है और लॉयर बनना चाहती है और उसका हस्बैंड उसे लॉयर बनने के लिए सपोर्ट कर सकता है, अपने खानदान को समझा सकता है, आई थिंक ही इज़ अ ट्रू हीरो ना. द सेम वुड बी द अदर वे अराउंड. इफ अ वुमन कैन गो आउट एंड हेल्प अ मैन अचीविंग हिज एम्बिशंस, हिज ड्रीम्स, हिज होप्स, वी ऑलवेज से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. Why? Because she sacrifices. The same way I feel behind all the successful women, all the men need to be there. So they can make sure that instead of just talking the change, they become a change. And this country has a better mindset towards women, because it's very demoralizing to see. बहुत छोटी सोच रखते हैं कई सारे लोग अभी भी. सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, पर यह टॉपिक मेरे लिए बहुत इमोशनल है, इसीलिए आज एक्चुअली मैं किसी हालत में नहीं हूँ बात करने का, फिर भी करना चाहता हूँ. बिकॉज I just feel women need all the empowerment by being given opportunities. जब मौका मिलेगा तो फिर उनके ऊपर वो क्या कर पाएंगी. लेकिन यहाँ पे मौके ही नहीं दिए जाते. क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि तुम औरत हो. अब मौका मिलना औरत या मर्द की निशानी थोड़ी ना होती. यू शुड बी एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर टैलेंटेड. सो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स एन इनिशिएटिव जस्ट टू ब्रिंग द चेंज इन थॉट प्रोसेस. अगर आपने नोटिस किया, पिछले महीने मैंने गर्ल राइजिंग के लिए शूट किया. गर्ल राइजिंग इज अबाउट एजुकेटिंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इन द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यूपी में उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त. पिछले साल मैंने ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए जनरेट किए थे उनके साथ टू बी एबल टू स्टार्ट ओपनिंग स्कूल्स एंड रनिंग स्कूल्स एंड गेटिंग टीचर्स हु कैन एक्चुअली बी पेड व्हाइल दे टीचिंग स्टूडेंट्स हु कम फॉर फ्री. शौचालय बनाना, सो फॉर मी इट्स अ 360 डिग्री. ये आज एक मोमेंट है, वो एक अगला मोमेंट है, उसका आप ऐड देखेंगे जो आने वाला है अगले महीने. साथ में कुछ कुछ और चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ. और ये सब की शुरुआत एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बिकॉज मेरे घर में मेरी बहन और मैं, और मैं सोचता हूँ मेरी बहन मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल है. और कहीं ना कहीं शी इज़ द वन हु इंस्पायर्स मी टू बिलीव दैट शी इज़ सो एजुकेटेड, शी इज़ सो सॉर्टेड, शी इज़ सो करेक्ट दैट आई वॉन्ट ऑल द वुमेन इन अ कंट्री टू बी एबल टू डू वॉट दे वॉन्ट टू डू. तो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, एवरीवेयर आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस इन माई ओन स्मॉल वे. दिस इज जस्ट द फर्स्ट. जी आप जी उसके जी See, now what happens now when you got to showcase the rights and wrongs of society, you have to showcase the rights and wrongs of society. आप जब किरदार बनते हो, आप अर्जुन कपूर बन के नहीं सोच सकते, बिकॉज क्या वो आप स्क्रिप्ट के खिलाफ, एक डायरेक्टर के विजन के खिलाफ जा रहे हो. इट्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टर की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी अगर वो सिर्फ उन उसूलों पर चले जिन पर वो जीते हैं. बिकॉज अगर आप बुरा नहीं दिखाओगे तो अच्छाई की जीत कैसे दिखाओगे. So there are a lot of things you have to show reality and to show what actually happens. As an actor, it's my job to be able to showcase what society does. It's like, for example, in Kien Ka, if such a talented actor, Rajit Kapoor, he played my father. वैसे इतने सारे मर्द हैं जो actually they're against their sons being a certain way. अगर वो actor वो role नहीं निभाएगा, तो वो film कभी दर्शाई नहीं जा सकती. So as an actor, you have to have a very thin line. You have to follow. Obviously your conviction, I'm saying you don't need to do, you don't do a script
or you don't do a film that you feel is sleazy or is downright rude or cheap towards women. But in a film, there are moments which lead you to realize what is right and what is wrong. And for that, you need to play certain characters. I don't think if Ranveer doesn't do Padmavat, you will not know what happened, correct? But that does, you all know Ranveer. He's a thorough gentleman. Shah Rukh Khan did Dar. That doesn't define the way he is. I did Ishak Zadak. Yaar, apne muh mein mithu karunga to thodi problem ho jayegi. Wo aapka kaam hai. So yeah, I just feel character, jo role nibhaya jata hai, wo alag hota hai. Aur jo actor hota hai, wo thoda, insaan hota hai, wo thoda alag hota hai. Arjun, you know, current scenario film industry ke, you know, it is a I'll answer it. Do you think actors are ready for a day when actresses will be paid more than actors? I don't think it's about the actors stopping the actresses. I think we are not saying ki nahi hum nahi kaam karenge agar aap inhe zyada paise doge. Maine kabhi ye jaake nahi pucha ki mere co-star ko kitne paise mil rahe hain. There is a business that unfortunately or fortunately this conversation kya hota na, main agar aapko business samjhaunga aisa lagega I'm justifying how the film industry works. The thing is, for many years there's been a certain growth of the business because the main leads have been heroes and protagonists across the country. The viewers have seen films with XYZ actors being the protagonists. So the audience is used to seeing certain kind of films. We have changed that in the last 5-7 years. I think I've been an actor now almost 6 years. In all my films, my co-stars have had fantastic roles along with me. You can argue they're better or worse, but they've been very good roles. I do believe going ahead, this conversation will reduce. But I cannot give you a thing ki yaar kisi ne rok ke rakha hai. Jaise jaise business badhega, I hate calling it women centric, but like see today Razi does well, obviously Alia will be paid a lot of money for her next film, which is fair, she's earned it. Aapki filmein chalengi, aapko paise milenge. NH10 chalti hai, Anushka does well, her price will change. Firstly, it's a very sensitive thing to discuss people's prices. I find it very crass and rude. I feel this conversation leads nowhere because what happens is किसी को असलियत नहीं पता, असलियत सिर्फ उन लोगों को पता है जो बैंक मैनेजर है, जो चेक पढ़ता है और जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. Nowadays there are lots of ways to compensate for the fact that you get paid even after a film does well. There are a lot of structures in place. I'm not saying it is perfect. There are certain criteria to be met and we are trying to meet them. I think with every passing film, Veeri the Wedding आ रही है, राजी आ रही है. I don't think you're seeing only certain kind of cinema. जैसे जैसे सिनेमा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये कॉन्वर्सेशन भी कम होते जाएगा. Of course, yeah. I'm sorry, my voice is a mess. I wanted to say that with a lot of gravity, it's not come out right. Of course, I think shelf life has been, yeah, come on, yeah, I'm speaking to you a day after my sister's wedding. She's going to continue working. She has a film releasing. We've already bent the gender there. Anushka's working for the last 6 months after being married. Kareena's a prime example. She's just had Taimur and she's back on set. Of course, making sure women feel safer, they feel more comfortable. It's a much more congenial environment for actresses to grow, to be able to harness their skills. The material is supporting it. You see the scripts that are written. A Razi maybe 7, 8, 10 years back would be a film that would be hero driven. Today it is content driven. And it's based on a true story, but they've not changed the story and made it a guy. They've retained the essence of it. Today the content allows actors and actresses, or say actors, to be there. It's not heroes and heroines. So the evolution is there. But yaar, Hindustan bahut bada hai. तो जैसे कि ये सोच की धारा बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ विद द बेंड द जेंडर, वैसे ही हमारी फिल्में भी ओवरनाइट नहीं कर पाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री भी ओवरनाइट नहीं इवॉल्व हो पाएगी. एटलीस्ट वी आर मेकिंग एन एफर्ट एंड दैट्स मोर देन व्हाट अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर विलिंग टू डू. सो आई थिंक वी शुड गिव द फिल्म इंडस्ट्री क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. वी स्टिल आर अ वे मोर सिक्योर, वे मोर ओपन. एज मेनी वुमेन आर हियर टुडे कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, देयर आर मेन वर्किंग एज वेल. सो आई थिंक वी गिव मोर अपॉर्चुनिटी देन मोस्ट केसेस डू. So I think the film industry has a lot of positives and you should highlight that. I think somebody should. I keep harping on it. Thank you, sir. You have to work towards this.
यू नो क्या हुआ है, ऑनेस्टली जब से मैंने कियन का किया ना, तब से इतने सारे लोगों ने आके मुझसे इतनी सारी बातें की कि कहीं ना कहीं रियलाइज यार एक फिल्म का असर पड़ सकता है, एक अच्छा असर पड़ना चालू हुआ। तो एक वाक्य नहीं कह पाऊंगा, बट आई कैन डेफिनेटली से जब से वो फिल्म की थी मैंने, एंड आई डिड नॉट नो हाउ रेलिवेंट द टॉपिक वॉज एट दैट पॉइंट, आई डिड इट एज अ फिल्म बिकॉज आई फेल्ट यार इट वॉज अ वन लाइन दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक लड़का जो अपनी माँ जैसा बनना चाहता है, एंड आई वॉज वेरी क्लोज माई मदर, आई डिड इट ऑन इम्पल्स एंड इमोशन। बट जब लोगों ने बताया कि उनको बहुत टच किया वो थाट, आई जस्ट थॉट आई शुड कंटिन्यू दैट थॉट फॉरवर्ड और देखते क्या होता है। आज आप सबकी सपोर्ट से ये 5,000, 10,000, 20,000 लोग देखेंगे, नेट पे कंज्यूम होगा, सोशल मीडिया पे होगा, टीवी चैनल्स पे होगा, न्यूज़पेपर में होगा, बातें शुरू होंगी, चर्चा होगी, अगले साल कुछ और करूँगा, 6 महीने बाद कुछ और करूँगा, हर जगह जा जाऊँगा, इनकी बातें करते रहूँगा। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन वन मोमेंट दैट इंस्पायर्ड मी, आई जस्ट वांटेड टू बी अ कंटिन्यूस जर्नी दैट इंस्पायर्स मेनी मोर पीपल।